हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ पासपोर्ट के बारे में, पासपोर्ट अप्लाई कैसे होता है और पासपोर्ट कहाँ कहाँ यूज होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, हम आपको बताने वाले हैं कि पासपोर्ट कहाँ कहाँ यूज होता है। पहले तो आप जान लीजिए, पासपोर्ट अपने राज्य में, अपने देश में किसी भी डॉक्यूमेंट्स को फिल करते वक्त अपना आईडी पासपोर्ट लगा सकते हैं, ठीक। उसके बाद हमें क्या करना होता है, जैसे हम विदेश यात्रा यूज मतलब विदेश यात्रा जाने लगते हैं तो हमें पासपोर्ट का ज़रूरत पड़ता है। और इसके बाद मैं आपको बता दूं, पासपोर्ट 3-4 प्रकार के होते हैं। पहला तो हमारा नॉर्मल होता है, जो कि हम लोग यूज करते हैं पासपोर्ट को, और दूसरा जो IAS ऑफिसर होते हैं या PCS ऑफिसर होते हैं उनके लिए होता है, और थर्ड जो होता है वो पॉलिटिक्स, जो बड़े बड़े पॉलिटिक्स लोग हैं, जैसे जो है जो राज्य के मुख्यमंत्री हो जाते हैं या ऐसे, मतलब पॉलिटिक्स जो हाई लेवल के हैं वो यूज करते हैं। तो चलिए, हम आपको बताते हैं कि पासपोर्ट कैसे अप्लाई करना होगा। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, किसी भी ब्रांच पे जाके या किसी भी साइबर कैफे पे जाके हमें पासपोर्ट अप्लाई करना होगा। आपको मैं बता दूं, अगर आपकी एज 18 साल से पहले है और आप पासपोर्ट अप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर आपको कहीं पे जाना हो तभी करवाइए, उसके अलावा मत करवाइए। क्योंकि आपका अगर एज मान लेते हैं 17 साल 6 महीना है, 17 साल 5 महीना है, तो आप पासपोर्ट अप्लाई करेंगे, पासपोर्ट आपका 18 साल होते ही आपका पासपोर्ट वो व्यर्थ हो जाएगा, फिर से आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। तो आप अगर कहीं पे जाना चाहते हैं पासपोर्ट के जरिए तो ठीक है, अगर नहीं जाना चाहते ये मत सोचिए कि मैं पासपोर्ट बनवा लूं और उसके बाद रख लेता हूं, कभी अगर जाना होगा तो मैं बाद में जा सकूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। पासपोर्ट अगर आपको अप्लाई करना है तो आप 18+ होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप बनवा सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं बनेगा, पासपोर्ट बन जाएगा लेकिन 18 साल के हो जाएंगे तो आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा। सो आपको और बताते चलूं कि आपका पैसा कितना उसमें लगेगा। पहले नंबर, आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे जैसे, तो आपका 1500 रुपया फीस लगता है, ठीक है। उसके बाद अगर कहीं पे किसी ब्रांच पे जाके आपने करवाया तो हो सकता है वो 100-150 रुपये लगे, लगभग 1700 रुपये हम मान लेते हैं। उसके बाद हमें अपॉइंटमेंट मिलता है किस तारीख को, किस डेट को जाना है। अभी हमें जाना था 17 तारीख को, तो हम 17 तारीख को गए थे, ठीक। उसके बाद वहाँ पे ऑफिस में जाना है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लेते हैं, हाई स्कूल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, जो भी लेते हैं सभी डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना रहता है, ताकि वहाँ पे कोई ऐसा दिक्कत ना हो कि आपके पास आधार कार्ड तो है उसमें मैच नहीं कर रहा है। आपको आधार कार्ड और सभी डॉक्यूमेंट्स को एकदम क्लीन करके ले जाना है। क्लीन मतलब कि अगर डेट ऑफ बर्थ गलत है तो आप पहले नंबर तो जाके संशोधन करवा लीजिए। सो गाइज, अगर आप जो है इमरजेंसी अगर आप बनवाना चाहते हैं पासपोर्ट, तो आप इमरजेंसी में भी बनवा सकते हैं, जैसे आपको तत्काल में कहीं पे जाना हो तो तत्काल में भी बनवा सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको इसलिए बनवा रहे हैं कि हम बनवा लेते हैं और कभी भी ज़रूरत पड़ेगा तो हम जा सकेंगे, तो उसको भी बनवा सकते हैं। और इसको आपको बताते चलूं कि आप अगर जा रहे हैं ऑफिस में तो वहाँ पे मैसेज के लिए 50 रुपीज़ लेते हैं, तो आप उसको 50 रुपये दे दीजिएगा, क्योंकि 50 रुपये आप देंगे तो आपके पास जितने भी मैसेज रहेंगे, जैसे आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए तो उसका वेरिफिकेशन का मैसेज आ जाएगा कि आपका क्लीन मैसेज हो चुका है, आपका वेरिफिकेशन एकदम क्लीन है। उसके बाद आप जैसे आपका पासपोर्ट गया प्रिंट होने के लिए, तो प्रिंट जहाँ पे होगा वो पूरा टाइमिंग डेट सब कुछ क्लीन करके एकदम दे देता है आपको मैसेज। उसके बाद बाई पोस्ट, जिस पोस्ट के जरिए आएगा, जैसे मान लीजिए हमारा क्षेत्र में आना है, तो जब भी वो पोस्ट करेंगे आपका पासपोर्ट, तुरंत आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आज आपका पासपोर्ट पोस्ट कर दिया गया है, तो आप जाके पोस्ट ऑफिस में पता कर लेंगे। तो सो गाइज, कुछ इस तरीके का था। सो अगर ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करिए, दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिलेगा।
और अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।